मैंने बहुत सरल से सरल, लोग यही चाहते हैं गुरु जी ऐसा कोई मार्ग बताओ जिसमें हम कम से कम समय में हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाए। मैं फाजल है, आप अगर चाहो एक एक व्यक्ति अगर सभी धर्मशास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करने लग जाए तो आपकी नहीं आपकी अगली पीढ़ी भी गुजर जाएगी, तब भी आप सभी चीजों का अध्ययन नहीं कर पाओगे और उनका सार निकालना और कठिन है। इसलिए मेरे द्वारा सरल से सरल वो विधियां बताई गई हैं कि किसे आप अपने आत्मा को पवित्र और निर्मल बना सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, बुद्धि को जागृत कर सकते हो। कुछ नहीं करना, केवल पहली चीज तो आपके आहार विचारों में सुधार हो ही, कुछ क्रियाएं मैंने बताई हैं। प्राण शक्ति के लिए प्राणायाम में ध्यान दे दो, कोई जरूरी नहीं कि बैठ करके करो। और प्राणायाम में आपको कुछ नहीं करना कि नाक दबा के बैठ जाओ, ऐसा करके बैठ जाओ, सहज भाव से जो शुरुआत करो। आगे साधना में अनेकों प्राणायाम के अनेकों भाग हैं, कई प्रकार के प्राणायाम हैं, मगर जो शुरुआत करो प्रारंभिक स्थिति में, केवल गहरी श्वास आपको अंदर भरना है, जितनी देर अच्छा लगे रोकना है और धीरे धीरे श्वास को बाहर कर देना है। पूरक श्वास को भरना, कुंभक श्वास को रोक रखना और रेचक श्वास को धीरे धीरे करके निकालना। इसे बैठकर भी आप कर सकते हो। और सबसे ज्यादा समय जो आपके पास रहता है 24 घंटे भी आप ध्यान दे दो, चलते फिरते तो आपको बैठकर समय देने की भी हो सकता नहीं। गहरी सांस लेना सीख लो। आप में से अनेकों लोग जब छोटा बच्चा एक शिशु होता है, महीने दो महीने चार महीने का होता है, उसको देखो जब सो रहा होता है तो उसके फेफड़े ऊपर नीचे की ओर हो रहे होते हैं। जो जो बड़ा होता है आप स्वयं एहसास करके देख लेना, सहज भाव से आपकी कब सांस अंदर गई कब बाहर निकली, इसका ज्यादा एहसास एहसास को नाक तक रहेगा, गले तक एहसास होगा बस, क्योंकि 50% आपकी दूषित वायु आपके अंदर ही भरी रहती है फेफड़ों में, उसको शुद्ध वायु में बदलना प्राणायाम के माध्यम से ही सशक्त है। प्राण से बड़ी कोई औषधि नहीं है। और उसके लिए जब आप गहरी सांस भरे धीरे कि आपके फेफड़ों में जितनी सांस समा जाए उतनी भर लीजिए और धीरे धीरे सांस को निकाल दीजिए। ज्यादा रोकने का प्रारंभ में प्रयास मत कीजिए, करके देखो। आप जब पहाड़ पर चढ़ रहे हो बहुत ज्यादा आपकी सांस सहज भाव से ज्यादा चलने लगती है, ज्यादा इसलिए नहीं ज्यादा थक गए, इसलिए शरीर मांग करने लगता है कि मुझे और ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन मुझे और मिल जाए तो आप और चढ़ सकते हो। विधान शरीर के अंदर से प्रारंभ हो जाता है। उसी के यदि सामान्य उस समय आप करने लगो, आप कोई नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपनी ड्यूटी करते हुए सहज भाव से गहरी सांस अंदर भरती ही रहिए। जब भी ध्यान आ जाए दो चार सांस नॉर्मल लेने के बाद एक दो सांस गहरी ले लो और सांस को बाहर निकाल दो। आप सहज भाव से देखो, आप महीने 15 दिन करके देखो, शरीर में आपको चेतनता नजर आएगी, तनाव से आप मुक्ति पाओगे, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और जो बैठ कर सको वो एक अलग बात है। प्राणायाम के बाद मैंने आपको कहा ओम और माँ दो, मैं जो मैंने माँ और ओम बीज मंत्र दिए, सशक्त मंत्र है। माँ और ओम इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी का मंथन होता है, करके देखो। जब आपके पास घर में समय हो, आप बड़े बड़े मंत्र नहीं जानते, स्तोत्र नहीं जानते, ओम और माँ का केवल क्रमिक उच्चारण करके देखो, एक बार माँ का एक बार ओम का, एक बार मेरे साथ आप सभी लोग करें। बस इस क्रिया को करना है, करके देखो। किसी बात तो पूरा वातावरण तरंगे जैसे बन जाएंगी, सात्विक तरंगे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। यह प्रकृति का सहज विधान है, वह तरंगे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। और इसको जितनी बार आप कर सको, 3 बार 5 बार जो भी समय हो, ज्यादा समय करके देखो। अपने बच्चों को अपने साथ बिठा लो, अकेले करना चाहो कोई जरूरी नहीं 3 क्षण में करो। आपके घर में जैसा वातावरण हो, कहीं ज्यादा सुर में करना अच्छा लगता है वहां का वातावरण आसपास का, तो आप ज्यादा धीमे मानसिक भी आप कर सकते हो कि उसकी ध्वनि आपके कानों पे सुनाई दे। और गुंजन पर एकाग्र को अंदर जो एक जिस तरह किसी घंटे को बजा देते हैं और घंटे की ध्वनि काफी अंतराल तक धीरे धीरे चलती रहती है, उस अंतराल की तरंग को अपने अंदर की सुनो। एक बार एक माँ का उच्चारण करो और थोड़ी सांस ले लो, जल्दबाजी मत करो। फिर ओम का उच्चारण करो, सांस को उतना ही खींचो जितना आपके लिए जरूरी है। ज्यादा खींचोगे तो शब्द रुकेंगे, प्रारंभ में उतना ही कीजिए, धीरे धीरे वो तरंगे आपकी बढ़ने लगेंगी। अकेले करके देखना, प्राणायाम माँ और ओम का उच्चारण, और जो सबसे बड़ा सशक्त चक्र मैंने बताया है अज्ञा चक्र राजा चक्र जिसे कहते हैं, उस पर ध्यान को थोड़ी देर एकाग्र करके अपने आप को विचार शून्य करने का प्रयास करो। प्राणायाम ओम माँ के उच्चारण के बाद जब आप बैठोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ चुकी होगी,
जब आप विचार फोन करने के लिए बैठेंगे, आपका ध्यान किसी चीज में लग रहा हो न लग रहा हो, गुरु का ध्यान लग रहा हो न लग रहा हो, माँ का ध्यान लग रहा हो न लग रहा हो, आप किसी मंदिर से जुड़े हुए उस मंदिर का ध्यान आ रहा न हो आ रहा हो, आप केवल विचार शून्य अज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके विचार शून्य अपने आप को करो कि मेरे शरीर से कहीं ना कहीं ऐसी एक बिंदु जरूर है जो न्यूट्रल बिंदु है, जहां से सब तरंगे प्रारंभ होती हैं, अच्छे बुरे विचार प्रारंभ होते हैं, उसमें अपने स्रोत को ना पकड़ सकूं, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी। तो कम से कम उस स्रोत को पकड़ सकूं कि कौन सा ऐसा न्यूट्रल बिंदु है, इसलिए अपने आप को विचार शून्य करो। ध्यान की यही सशक्त प्रक्रिया है। अनेकों लोग ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं, शांत बैठ जाओ, मन जहां जा रहा है जाने दो, जो दिख रहा है देखते चले जाओ। अरे मैं कह रहा हूं, जिंदगी भर लगा दोगे तो भी ध्यान की गहराई के एबीसीडी भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। मन को अगर उसी चलने में चले जाना है तो मन अगर आपका विकारी है, आंख बंद करके बंद बैठ गए, हाँ बस दिख रहे हैं दृश्य जो आपको विषय विकारों के, कहीं घर परिवार के दृश्य दिखाई आ रहे हैं, कहीं कोई दृश्य दिख रहे हैं, कहीं राजसत्ताओं के दृश्य दिख रहे हैं, कहीं आप उस तरह के, और देखोगे उसी तरह विचार आपके मन के अंदर पैदा होंगे, कभी भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली प्रक्रिया, पहली पाठशाला वही है, पहला ज्ञान वही है कि अपने आप को विचार शून्य करना शुरू कर दो। अब विचार शून्य करने की जो न्यूट्रल अवस्था है वही हमारी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य करना प्रारंभ कर देती है। जिस दिन तुम एक बार अपने आप को विचार शून्य करने की अवस्था में प्राप्त कर लोगे, आपको लगेगा जैसे मेरा पूरा शरीर आनंदित हो गया, मेरे शरीर के सभी कष्ट मुक्त हो गए। एक क्षण का ध्यान आपको इतनी अधिक ऊर्जा पैदा कर देगा कि दिन भर आपको चैतन्यता प्राप्त होगी, पूरा दिन आपका प्रसन्न चित्त गुजरेगा, आपको थकावट महसूस नहीं होगी, ऊर्जा का संचार आपके पास होगा। मैं भी 18, 19 घंटे 20 घंटे कार्य करता हूं, उसके बाद मेरे पास थकावट कभी नहीं रहती। मैं भी उन्हीं चीजों का उपयोग करता हूं, ध्यान का, प्राणायाम का, इन सभी क्रियाओं का मैं ही उपयोग करता हूं। आप करके देखो, बहुत सरल क्रम है।